आरबीआई ने रिवाइज करी पीएसएल गाइडलाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है उसकी, पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पीएसएल होता क्या है, अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, पीएसएल बेसिकली क्या है, इकोनॉमी के कुछ सेक्टर को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मान लेते हैं कि जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, ऐसे कुछ सेक्टर हैं जिनको हमें ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है इन कंपैरिजन टू अदर सेक्टर। ठीक है, जैसे क्लास में कुछ बच्चों पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत होती है और कुछ पे हमें आइडिया होता है कि आराम से पढ़ लेंगे, इनको समझ में आ रहा है, राइट। तो जिनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है उनको हमने क्या नाम दे दिया, प्रायोरिटी सेक्टर। आरबीआई ने हाल में ही कहा कि भैया प्रायोरिटी सेक्टर में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, तो सारे प्रायोरिटी सेक्टर की लैंडिंग में चेंजेस। बार बार अलग अलग समय पे आरबीआई ने पीएसएल में चेंजेस भी किए हैं। ठीक है, देखिए, द पीएसएल गाइडलाइन वर लास्ट रिवाइज फॉर कमर्शियल बैंक इन अप्रैल 2015। बैंकों के लिए आखिरी इसके पहले कब रिविजन किया गया था, कमर्शियल बैंक के लिए अप्रैल 2015 में, और यूसीबी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए मई 2018 में किया गया था। यहां से एक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि जो पीएसएल है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल कमर्शियल बैंक एंड ऑल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, आप देखिए प्रायोरिटी सेक्टर होती क्या है, लेंडिंग होती क्या है। आरबीआई कहते हैं जितना पैसा आपके पास है, मैंडेट द बैंक लेंड्स सर्टेन पोर्शन ऑफ दियर फंड। जितना पैसा आप उधार देते हो, मानिए कि आप 100 रुपए उधार देते हैं, तो उसका 40% आप लोन देंगे किस सेक्टर के लिए, पीएसएल के लिए। क्लियर, यानी देखिए द आरबीआई मैंडेट बैंक्स टू लेंड अ सर्टेन पोर्शन ऑफ दियर फंड टू स्पेसिफाइड सेक्टर। कौन कौन से है, एग्रीकल्चर, ठीक है, एंड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। क्लियर, तो आप जितना भी लोन देते हैं उसका कुछ परसेंट आप किसको लोन देंगे, प्रायोरिटी सेक्टर को लोन देंगे। क्यों, अगर हर सेक्टर पे बराबर ध्यान दिया जाएगा, इक्विटेबल अटेंशन होगा, तभी हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? यस सर। मैंडेट क्या है, देखिए, ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक and foreign bank are mandated to set aside 40%. कितना? 40%। और सभी RRB, cooperative bank and small finance bank have to allocate 75%. ठीक है? तो अभी यहाँ पे 40% of what and 75% of what? तो 40% of their ANDC. Adjusted net bank credit, 75% of ANDC, adjusted net bank credit, clear? To PSL, ये आपको देना है। अब आपके लिए होमवर्क है कि what is ANDC? ANDC क्या होता है? जो बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं वो इसको पे काम कर लेंगे, PCSJ वाले इसको चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। रेस्ट हम इसको कल डिस्कस करेंगे आपसे कि व्हाट इज ANDC। क्लियर, जो बच्चे अभी एग्जाम देने जा रहे हो ANDC जरूर पढ़ लेंगे। तो याद रखेंगे कि ऐसे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक किन्हें कहते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कोई बताएगा, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक किसे बोलते हैं? सर जो आरबीआई एक्ट के सेक्शन 2E में डिफाइंड है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? भव्या। वेरी गुड भव्या। आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2E, ठीक है, इसमें जो मेंशन लिस्ट है उन्हीं को हम नाम देते हैं शेड्यूल बैंक। ठीक है, तो ऑल कमर्शियल बैंक का शेड्यूल हम ऐसे कह सकते हैं कि ज्यादातर कमर्शियल बैंक हैं जिनका हम नाम जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल एक्सिस, ये सब कैसे हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं। इन सबको 40% और आरआरबी कोऑपरेटिव बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सबको 75% देना ही होगा। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? यस सर।